नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभ्रा सुमन। राजनीति में हम बात करेंगे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की, देश के निर्माण में उनके योगदान की, और साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी छवि खराब करने की जो कोशिशें लगातार चलती आ रही हैं उनके पीछे की राजनीति क्या है। सोशल मीडिया पर आए दिन हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में ऐसी झूठी बातें सुनने देखने को मिलती हैं जिनका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। पंडित नेहरू की मौत की वजह से लेकर उनकी निजी जिंदगी तक तमाम झूठ लगातार गढ़े और फैलाए जाते हैं, और अब तो सत्ता में बैठे नेता और मंत्री तक देश की हर समस्या के लिए पंडित नेहरू को दोषी ठहराने से बाज नहीं आते। चाहे वो कश्मीर का मसला हो, देश के बंटवारे की बात हो, पंडित नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल का आपसी रिश्ता हो या फिर कोई और मुद्दा, पंडित नेहरू के बारे में गलत बातें लगातार प्रचारित की जाती हैं। सवाल यह है कि पंडित नेहरू के बारे में झूठी बातें पेश करने की कोशिश आखिर क्यों की जाती है, क्या है इसके पीछे की राजनीति। अगले आधे घंटे इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, और हमारे साथ चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ इतिहासकार प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी मौजूद हैं। आपका बहुत स्वागत है सर। न्यूज़ प्लेटफॉर्म डॉट इन के कार्यकारी संपादक सत्येंद्र रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर गौहर रजा, आपका स्वागत है रजा साहब, और CSDS के डॉक्टर राजीव भार्गव भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। आइए सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत करते हैं आदित्य मुखर्जी जी से। इतिहासकार हैं आप सर, और मुझे याद है कि बचपन से जब भी बाल दिवस आता है तो नेहरू को हम याद करते हैं, और पहले प्रधानमंत्री देश के, उनकी जो छवि है धर्मनिरपेक्षता, स्तंभकार हैं, आज़ादी की लड़ाई में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया है, संविधान की प्रस्तावना उन्होंने लिखी है, ये तमाम बातें हमारे जहन में आती हैं। लेकिन आज जब मैं सुबह उठी, मैंने ट्विटर चेक किया, वहाँ पर जिस तरह के हैशटैग ट्रेंड कर रहे थे आज, वो यहाँ पर बात करने लायक भी नहीं है। आखिर क्यों ऐसा है कि पिछले कुछ सालों से जब भी जवाहरलाल नेहरू की हम बात करते हैं तो एक नफ़रत फैलाने की कोशिश, अफवाह फैलाने की कोशिश, या ऐसी बातें जो हकीकत से बहुत दूर हैं वो बातें फैलाने की कोशिश हो रही हैं, इसके पीछे क्या राजनीति है? देखिए, जो हमारे राष्ट्रवाद की जो परिकल्पना थी कि भारत क्या बनेगी, उसके जो सबसे बड़े नुमाइंदे थे वो थे महात्मा गांधी, उनको तो मार दिया गया। नंबर दो पे आए जवाहरलाल नेहरू। तो जो लोग इस राष्ट्रवाद से बिल्कुल जुड़े ही नहीं हुए थे बल्कि उसके खिलाफ थे, जिनका मेन रोल था अंग्रेजों के नंबर दो बनने का, और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो उस वक्त राष्ट्र नेशनल मूवमेंट को सबसे बढ़ावा दे रही थी, उनके खिलाफ लड़ना, वो उनको तो ये जरूरी है अब, क्योंकि वो राष्ट्रवाद को खुद क्लेम करना चाहते हैं। जिसको हम, आपने अपने बचपन की बात करी, हम भी बचपन से जिसको कम्युनलिज्म कहते थे, सांप्रदायिकता कहते थे, वो उसको अब राष्ट्रवाद कहने लगे, हिंदू नेशनलिज्म कहने लगे। जवाहरलाल नेहरू ने 1933 में ये कहना शुरू कर दिया था कि ये जो हिंदू महासभा वाले हिंदू राष्ट्रवाद की बात करते हैं, ये एक्चुअली हिंदू कम्युनलिज्म है, हिंदू नेशनलिज्म कोई चीज हो ही नहीं सकता। नेहरू के ये खिलाफ खास करके इसलिए हैं क्योंकि इनकी अंडरस्टैंडिंग कम्युनलिज्म की, सांप्रदायिकता की, अल्पसंख्यकों की सांप्रदायिकता और बहुसंख्यकों की सांप्रदायिकता, दोनों को वो बहुत अच्छी तरह समझते थे और उन्होंने एनालाइज किया था। उन्होंने अगेन 1930s में उन्होंने कह दिया था कि मेजॉरिटी कम्युनलिज्म जो है, बहुसंख्यकों की जो सांप्रदायिकता है, वो बड़े आसानी से अपने आप को राष्ट्रवाद कहने लगती है, माइनॉरिटी कम्युनलिज्म तो सेपरेटिस्ट में चले जाते हैं, जैसे कि मुस्लिम लीग चली गई, पर ये मेजॉरिटी कम्युनलिज्म अपने आप को राष्ट्रवाद कहने लगते हैं। और फिर नेहरू की बहुत अच्छी एनालिसिस है ये दिखाते हुए कि कैसे ये फांसीवाद की सारे तकनीक अपनाते हैं। उनका उन्होंने खास करके गांधी जी के मौत के बाद खास कहा था कि RSS ये कोई ऐसे ही नहीं कि एक आदमी बौखला गया और उसने गांधी जी की हत्या हो गई, ये RSS की एक पूरी साजिश थी, प्लान था, ये कू की तरह था। वो चाहते थे कि ये जो माहौल क्रिएट हो गया पार्टीशन से और गांधी जी की हत्या से, ऐसे माहौल में किसी तरह ये हिंदू राष्ट्रवाद वाले जो हैं वो पावर ले लेंगे, कि मुस्लिम पाकिस्तान की जगह हिंदू इंडिया बन जाएगा। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू का बहुत जबरदस्त रोल रहा था कि इस दौर को
नहीं होने देना, ऐसा नहीं होने देना। जो पहला इलेक्शन नेहरू जी ने लड़ा 1951 में, उसको उन्होंने रेफरेंडम की तरह किया कि क्या भारत पाकिस्तान का मिरर इमेज बनेगा या भारत सेक्युलर। बड़ा दिलचस्प ट्वीट आया है आज इसी संदर्भ में कि अगर मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो क्या होता और क्या आज देश होता, ये भी जरा सोच कर देखिए। पहली बात तो मोदी पहले प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकते थे, मैं इसलिए एक मिनट और लेना चाहता हूँ। तो 1951 का जो इलेक्शन होता है जिसमें जवाहरलाल नेहरू 40,000 मील टूर करते हैं और 1 out of 10 पीपल ऑफ इंडिया से बात करते हैं, उस इलेक्शन का, और उसमें सिर्फ यही मुद्दा था कैसा भारत होएगा, और उसका नतीजा ये था कि जो हिंदूवादी हिंदू राष्ट्रवादी हैं इनको सबको मिल के हिंदू महासभा ये वो 6% वोट मिले थे और 10 सीट, तो ये सपना भी नहीं सोच सकते थे कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, तो उनके प्रधानमंत्री बनने का कोई चांस ही नहीं था। अच्छा, आगे हम बढ़ते हैं और हमारे साथ डॉक्टर राजीव भार्गव भी मौजूद हैं, CSDS के डायरेक्टर रह चुके हैं और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर, सेक्युलरिज्म पर कई किताबें लिख चुके हैं। सर, आपसे मैं समझना चाहूँगी, आज की तारीख में जब हम बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता की, सेक्युलरिज्म की, लिबरलिज्म की, पिछले कुछ सालों में इस तरह के शब्दों को बड़े ही अलग तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, और जब भी ये शब्द आते हैं तो उसके पीछे एक नफ़रत की जो परछाई है वो डालने की कोशिश की जाती है, इसे डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की गई है एक तरह से, अगर मैं कहूँ। क्या यही वजह है कि आज नेहरू के इमेज को भी डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की जा रही है, जब उनकी जयंती के दिन हम देख रहे हैं कि किस तरह के हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो इमेज है, उनकी जो छवि है, वो उन शब्दों से ही बनी हुई है। जब भी हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, देश के लोकतंत्र की बात करते हैं, तो उनके स्तंभकारों में जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है, महात्मा गांधी के साथ, मौलाना आज़ाद के साथ, सरदार पटेल के साथ। क्या यही वजह है कि बार बार उनको इस तरह से बदनाम करने की कोशिश हो रही है? हाँ, जिसको हम बोलते हैं एक आइडिया ऑफ इंडिया जी, जो आइडिया हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई के अंदर पैदा हुआ था, उस आइडिया के अगर एक आइकॉन है वो जवाहरलाल नेहरू ही है। और आजकल उस आइडिया के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन चला हुआ है, और उसी वजह से नेहरू को हम लोग इस स्थिति में पाते हैं कि उसके बारे में जो मर्जी लोग कहते हैं, अफवाह फैलाते हैं, उनके प्रति घृणा है लोगों के प्रति, लोगों के द्वारा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि यहाँ पर जो बहुत 1950-1960 के बाद जो भी लोग, बल्कि 1970 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं, उन लोगों को इतनी अज्ञानता है कि वो जो भी चीज़ उनके सामने रखी जाती है वो ले लेते हैं। अब जैसे आपने सेकुलरिज्म की बात करी, नेहरू का आउटलुक ये नहीं कह सकते कि हिंदू नहीं था, उसमें वो एक वेस्टर्न सभ्यता से इन्फ्लुएंस थे, लेकिन साथ साथ उनको अपनी सिविलाइजेशन के बारे में भी बहुत कुछ ज्ञान था, जो उनकी किताबों के अंदर बिल्कुल समझ आता है लोगों को। लेकिन उनको एक एंटी हिंदू के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, और उनका सेक्युलरिज्म भी एक एंटी हिंदू माना जाता है। पर मैं ये नहीं कहूँगा, उनकी जो हिंदू की परिभाषा थी वो एक बहुत एक्यूमेनिकल कैथोलिक, एक सबको अंदर लाने की, और कभी भी एंटी मुस्लिम नहीं थी, और एंटी क्रिश्चियन नहीं थी, एंटी माइनॉरिटीज नहीं थी। और यही, क्योंकि आजकल की राजनीति के अंदर देम और अस ये बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जोर दिया जाता है, और एक हिंदू की परिभाषा ऐसी बन गई है जैसे कि वो बाकी सब संप्रदाय के खिलाफ हो। ऐसे माहौल के अंदर नेहरू जैसे लोगों के ऊपर अगर कोई इतना बड़ा अटैक होता है तो कोई मुझे इतनी हैरानगी नहीं होती। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि उनकी विचारधारा से कोई खतरा है कुछ लोगों को, और वही लोग जो हैं इस तरह के ट्रेंड्स चलाते हैं या फिर इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जो अलग अलग दूसरे पहलू हैं उनके जरिए। हाँ, वो तो है, लेकिन ये भी हमको देखना पड़ेगा कि
इतनी तादाद में लोग इन चीज़ों को बिलीव क्यों करते हैं? यहाँ पर हमको देखना चाहिए कि हमारा एजुकेशन सिस्टम किस हद तक कामयाब रहा है कि अगर हमारी उसकी नींव इतनी अच्छी होती कि हम हर फैक्ट्स को वेरीफाई करते, चेक करते। ये इस पर मैं आती हूँ सर कि आखिर क्यों लोग विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि एक आजकल ये भी बात होती है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर लोग बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं और उसी का कहा, उसी पर जो चीज़ें चल रही हैं, जो पढ़ रहे हैं वही उनके जहन में ज़्यादा चलता है। किताबों में जो लिखा हुआ है वो लोग याद नहीं करना चाहते क्योंकि पढ़ने में मेहनत लगती है। खैर, अगला सवाल मेरा सर गौहर रज़ा साहब आपसे है। 5 दशक से ज़्यादा बीत गए हैं जवाहरलाल नेहरू को इस दुनिया से गए हुए, लेकिन आज भी जितना उन्हें मानने वाले लोग उन्हें याद करते हैं उनसे ज़्यादा वो लोग उन्हें याद करने लगे हैं जो उन्हें नापसंद करते हैं। ये जो रिलेवेंस है सर, ये किस वजह से है, इसका क्या मायने है? इससे पहले कि मैं आपकी बात का जवाब दूँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछली सदी में हमारे देश ने दो बड़े जायंट्स, दो बहुत बड़े कदावर नेता और साथ ही इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी पैदा किए, और मुझे नहीं लगता कि इनका कद कोई भी छोटा कर सकता है। उनमें एक नाम है गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, और दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये दोनों अगर नेता ना होते तब भी दुनिया के बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल्स में, बुद्धिजीवियों में माने जाते। और इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने दुनिया में सबसे बड़ी आबादी का, दूसरे नंबर का देश उस वक्त भी, उस आबादी के जो सोच थी उसको बदल दिया जी। उसको ये भरोसा दिलाया कि हम न सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ, इंपीरियलिज्म के खिलाफ लड़ाई जीत सकते हैं, जो जीती हमने, उसके साथ साथ हम अपने देश में जो त्रुटियां हैं उनके ऊपर भी उबूर हासिल कर सकते हैं। और इसमें दो चीज़ें जो नेहरू के यहाँ दिखाई देती हैं हमको, जिसकी वजह से उनसे इतनी ज़्यादा नफरत है। एक उनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो उन्होंने खड़ा किया, जहाँ जनता के पैसे से जनता की खड़ी की हुई फैक्ट्रीज बनाई गई, आधुनिक भारत का एक निर्माण हुआ। और दूसरी तरफ हमको दिखाई देता है साइंटिफिक टेम्पर। वो इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल है कि वो साइंस ना नहीं है, वो एक नेता होने के बावजूद बात करता है कि आगे आने वाले वक्तों में हमारे देश की उन्नति का आधार साइंटिफिक टेम्पर होगा। और जब हिंदुस्तान आज़ाद हो जाता है तो हम दुनिया के पहले देश बनते हैं नेहरू की लीडरशिप में, जो एक साइंस पॉलिसी रेजोल्यूशन पास करता है। इससे पहले विकसित देशों ने भी पास नहीं किया था, और उसमें हम ये प्रण लेते हैं कि हमारे देश का आधार वो होगा। वो लोग जो लगातार वैज्ञानिक दृष्टिकोण के ऊपर हमला कर रहे हैं और करते रहे हैं हमेशा से, जिन्होंने पहली किताब लिखी तो ये लिखा कि कॉन्टिनेंट में वो जो नॉर्थ पोल था वो हमारे उड़ीसा के बराबर में था, ये 1939 की वी और नेशन और डिफाइन की बात कर रहा हूँ। और आज उन्हीं के पुरखे, उन पुरखों के चेले ये हमें बताते हैं कि गणेश जी जो हैं वो प्लास्टिक सर्जरी की एक मिसाल हैं। कई बयान हैं इस तरह के। तो ऐसे लोगों को तो नेहरू को गाली देनी ही पड़ेगी, नेहरू को बुला कहना ही पड़ेगा। जब तक नहीं कहेंगे नेहरू को बुला, अपना कद बढ़ा नहीं सकते वो। अपना कद बढ़ाने की ये कोशिश जो है ये नाकाम ही होगी। दुनिया नेहरू को लगातार याद करेगी, और उसकी वजह ये है कि उन्होंने पहले प्रधानमंत्री थे जिनकी लीडरशिप में दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बनी। ठीक है, नेहरू से पहले और नेहरू के बाद की दुनिया अलग दुनिया थी, दुनिया को बदल दिया था उन्होंने। ये एक्सपेरिमेंट था जिसको लोग कह रहे थे कि फेल हो जाएगा उस वक्त, और हिंदुस्तान तैयार नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। और जाहिर है कि अगर ये इनको मौका मिल जाता उस जमाने में, ये तो 70 साल। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज़ादी के बाद देश के निर्माण में जो भूमिका नेहरू की रही, इस विचारधारा की रही, बार बार हम लोगों से भी कहा जाता है कि अगर देश के इतिहास को समझना है तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़िए, या जो लेटर्स लिखे नेहरू ने इंदिरा गांधी के नाम वो पढ़िए, तो उससे बहुत कुछ समझने में हमें आसानी होती है, देश के बारे में भी और जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा के बारे में भी। सत्येंद्र जी, मैं आपका रुख करती हूँ, और आज जब हम ये डिस्कशन कर रहे हैं ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अभी हाल ही में अनुच्छेद 370 पर एक बड़ा फैसला लिया देश की संसद ने,
इस सरकार ने, और उस दौरान कई बार जवाहरलाल नेहरू का जिक्र आया, यहाँ तक कहा अमित शाह ने कि कश्मीर की समस्या नेहरू जी की वजह से ही रही, और अगर पहले प्रधानमंत्री बन जाते सरदार पटेल तो ये समस्याएं नहीं होती, इस तरह की बातें बार बार कही गई। इस संदर्भ में अगर आज हम बात कर रहे हैं नेहरू जी की जयंती पर, तो आप कैसे समझेंगे? देखिए, अभी कुछ साल पहले एक देश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने एक लेख लिखा था, उसकी हेडिंग थी, उसको मैं हिंदी, उसका हिंदी है कि हम लोग अभी भी उसी घर में रहते हैं जिसे पंडित नेहरू ने बनाया। अब जैसा कि अभी गौहर राजा साहब कह रहे थे कि वो जो घर बना, उस घर के कुछ स्ट्रक्चर के कुछ बुनियादें थी, जैसा कि पब्लिक सेक्टर है या जो साइंटिफिक टेम्परामेंट, उसका जो कल्चर बनाने की कोशिश की गई, और उसके ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे समाज का जो कुल ढांचा था अगर उसकी तुलना में देखें तो बिल्कुल वो विजातीय लगता है। लेकिन उस चीज़ को लेकर पंडित नेहरू ने वो एक जनमत और जनादेश तैयार किया जो आज हम लोग जब सोचते हैं आज भी 21वीं सदी में आने के बाद तो उस पर हैरत होती है। जैसा कि प्रोफेसर मुखर्जी ने बताया कि वो जनादेश इतना मजबूत था कि जो उनकी विरोधी शक्तियां थी, जो आज भले सत्ता में हैं लेकिन उस समय वो 6% से ज़्यादा वोट नहीं हासिल कर सकी, वो शक्तियां ये जानती हैं कि जब तक ये बुनियाद है वो अपनी अपने मन के मुताबिक भारत नहीं बना सकती हैं, और इसके लिए इसकी बुनियाद अभी भी, वो बुनियाद हिली नहीं है, उसमें डेंट लगा है, उसको उस पर आक्रमण हो रहे हैं, उसकी उसको एक हद तक कामयाबी मिल रही है, लेकिन अभी भी वो जो बुनियाद पंडित नेहरू ने जो बनाई वो बुनियाद अभी भी है। और ये इन शक्तियों को ये मालूम है कि जब तक इस बुनियाद को नहीं गिराया जाएगा तब तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगी। तो ये जो उनका उनकी समझ है, ये समझ अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, और इसलिए वो एक प्रोजेक्ट के तहत एक पूरी सोच विचार के साथ पंडित नेहरू के व्यक्तिगत छवि को भी, उनके विचार को भी, उनके योगदान को भी बदनाम करने की कोशिश करती हैं, और इस कोशिश को प्रोफेसर भार्गव ने वो जो बात कही है इस पर जरूर हम लोगों को विचार करना चाहिए कि आज उस पर इतने लोग यकीन करने वाले क्यों हैं, आखिर क्यों उसको समर्थन मिल रहा है, इसकी कमियां कहां थी, ये जरूर बहुत गंभीर मुद्दा है जिस पर सबको सोचना चाहिए, लेकिन इतने लोगों के विचार करने के बावजूद अभी भी देश का बहुमत उनके पक्ष में नहीं है। भले चुनावी बहुमत हो लेकिन जो एट लार्ज मेजोरिटी देश की है अभी भी उनके साथ नहीं है, और वो नहीं है तो उसको बिल्कुल ये ऐसी इसके लिए पंडित नेहरू का ये योगदान हम लोग आज भी मान सकते हैं, और ये मेरी समझ में ये वजह है जिसकी वजह से ये कोशिशें की। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि वो बुनियाद जो पंडित नेहरू ने और उनके साथ साथ बाकी जो स्तंभकार रहे संविधान के, देश के, उन्होंने बनाई है, वो बुनियाद अभी भी कायम है। एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक पर से वापस लौटने के बाद यही चर्चा करेंगे कि क्या उसी बुनियाद को हिलाने की कोशिश है, और अगर वाकई ये कोशिश है तो उसके लिए नीति क्या हो उसे रोकने की। आप बने रहिए हमारे साथ। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है, यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। आप देख रहे हैं राजनीति। आइए फिर से एक बार चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ आदित्य मुखर्जी जी जुड़े हुए हैं स्टूडियो में, हम उनसे बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सर, जो पूरी चर्चा हो रही है, एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगी कि बहुत सारी अफवाहें जो फैलाई जा रही हैं, अब आम लोग उसे चेक नहीं करते हैं। अगर कोई चीज़ खुद प्रधानमंत्री बोल रहे हैं या बड़े लीडर्स बोल रहे हैं, मंत्री बोल रहे हैं, तो क्या वो वाकई सही है या गलत है, इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए बहुत पढ़ाई लोग नहीं करना चाहते। अमूमन लोग मान लेते हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो सो कॉल्ड कहा जाता है चल रहा है। अगर आखिर क्यों ऐसा है कि इस तरह की बातें भी फैलाई जा रही हैं कि सरदार पटेल के साथ नेहरू के संबंध अच्छे नहीं थे। मेरा सवाल ये है सर कि क्या ये
बीजेपी की कोशिश है खुद को वैलिडेट करने की, क्योंकि पिछले कुछ सालों में ये देखा गया कि कुछ महापुरुषों को अपने साथ जोड़ करके, उनकी मूर्तियां बना के या उनके जयंतियां मना करके ये कोशिश की जा रही है कि देखिए वो हमारी विचारधारा के हैं और उनको महत्व नहीं दिया गया, और उनसे नेहरू का अलगाव दिखा करके क्या खुद को वैलिडेट करने की कोशिश है ये इस सरकार की? ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये जो अभी सत्येंद्र जी ने बहुत बड़ी अच्छी बात करी जी, कि ये जो 100 साल की हमारी जो राष्ट्रीय आंदोलन थी उसने एक बुनियाद तैयार करी हिंदुस्तान के लोगों के दिमाग में। वो उसको उखाड़ना इतना आसान नहीं है। अब तो बीजेपी सेंट्रल रूल में, पहले तो गुजरात में ही थी सिर्फ, वो हिंदू राष्ट्र में विश्वास करते हैं, वो कहते हैं अब हम पावर में आ गए पर हिंदू राष्ट्र तो बना नहीं। कोई भी नहीं कहेगा कि अभी हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बन गया, हालांकि उनके प्राइम मिनिस्टर से लेके प्रेसिडेंट, मतलब हर एक मिनिस्टर रोज रोज कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बना तो नहीं, क्योंकि अभी लोगों वो बुनियाद भी उखड़ी नहीं है। और उखाड़ने के लिए अब ये जो तरीके अपना रहे हैं जिसका आपने जिक्र किया, ये फासीवाद के बिल्कुल नियम के अनुसार है। उसमें है कि झूठ बोलो और बार बार उसी झूठ को बोलते जाओ, इतना बड़ा झूठ बोलो कि आदमी कहेगा कि यार ये तो इतना बड़ा तो कोई झूठ बोल ही नहीं सकता, वो भी प्राइम मिनिस्टर। तो ये बिल्कुल नोन है, ये तो हिटलर ने भी किया, मुसोलिनी ने भी किया, हर एक फासीवादी यही करता है। तो हमारे राष्ट्रतंत्र को, हमारे लोकतंत्र को, हमारे जो विश्वास जो बने हैं 100 साल से, उनको उखाड़ने के लिए अगर कुछ करना है तो फांसीवादी तकनीक अपनाना पड़ेगा। उसमें ये एक तकनीक फांसीवाद का ये भी है कि दुश्मन को जो है वो बाहर मत ढूंढो, अपने ही अंदर ढूंढो। जैसे कि भाई जर्मनी में जूज दुश्मन निकले, अपने अंदर से ही एनिमी विद इन। यहाँ पे भी आपको दुश्मन मुसलमान दिखते हैं, आपको दुश्मन क्रिश्चियन दिखते हैं, दुश्मन जवाहरलाल नेहरू दिखते हैं। अब सारा ये जो सारा तरीका है, ये डायलॉग का तरीका नहीं है। नेहरू जी गांधी जी से बहुत डिबेट करते थे, उनकी ऑटोबायोग्राफी जो है पूरा डिबेट है गांधी जी के साथ। तो आप ये कह रहे हैं कि लकीर छोटी करने की कोशिश है? ये लकीर छोटी करने के लिए नहीं, दुश्मन बनाने की, हेट्रेड पैदा करने की। ये ऐसा माहौल फैलाना चाहते हैं कि जहाँ पे कि भीड़ बने और हत्या हो और वायलेंस हो और एक फांसीवादी एक पूरी स्ट्रक्चर तैयार हो। जी डॉक्टर राजीव भार्गव, मैं फिर से एक बार आपके पास आना चाहती हूँ, और सवाल यही है जो बात बार बार सरदार पटेल के बारे में और जवाहरलाल नेहरू के बारे में कही जाती है, इस तरह की भी बातें आती हैं कि जब पहला प्रधानमंत्री चुनने की बारी आई तो सरदार पटेल के बारे के लिए सब लोग कह रहे थे और नेहरू के नाम पर सहमति नहीं बन रही थी, फिर गांधी जी सामने आते हैं और इस तरह की पूरी घटनाएं हैं जो इतिहास में दर्ज हैं, लेकिन उसे एक अलग तरीके से पेश करने की कोशिश की जाती है ताकि ये लगे कि जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल आमने सामने थे एक दूसरे के। इसे आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे सर दर्शकों के लिए? देखिए, दो चीज़ें इसके बारे में मैं कहूँगा। पहली बात तो ये कि जिस सरकार के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे उसी सरकार के होम मिनिस्टर सरदार पटेल थे। ये दोनों एक साथ काम करते थे, जो भी मेजर डिसीशंस हुए वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दोनों के ही ऊपर जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि डिसीशन लेने से पहले वो एक दूसरे के साथ कभी डिसग्री नहीं करते थे। हर डेमोक्रेसी के अंदर, हर डेमोक्रेटिकली रन कैबिनेट के अंदर इस तरह के डिसग्रीमेंट्स ज़रूर प्रकट किए जाते हैं, एक्सप्रेस किए जाते हैं, लेकिन उन डिसग्रीमेंट्स को रिजॉल्व करना रीजनेबली, रैशनली, ये भी एक इन बड़े बड़े लोगों की, हम नेहरू और पटेल की जब बात करते हैं तो उनके अंदर ये भी इच्छा थी कि जो भी डिसएग्रीमेंट उनके हों वो सुलह से रिजॉल्व करके आगे डिसीजन लिए जाएं। और मैं मानता हूं कि 90% 95% डिसीजंस जो भी एक छोटे से समय के अंदर, सरदार पटेल की मौत जो है वो 1950 में हो गई थी जहाँ तक मुझे याद है, तो वो 2-2.5 साल ही एक साथ काम किए थे, लेकिन जितने भी डिसीशंस लिए थे वो उन लोगों ने मिलकर लिए थे। इवन इफ उसके प्रोसेस के अंदर उन्होंने, उनके मतभेद भी हुए, उनके डिसएग्रीमेंट भी हुए, ऐसा कभी हो नहीं सकता कि एक मेजर डिसीशन लिया जाए जिसका नेहरू उससे अल्टीमेटली सहमत ना हो। आप ये देखिए कि आजकल सरकार के अंदर अगर
कोई भी सरकार में अगर प्राइम मिनिस्टर ना चाहे तो कुछ नहीं हो सकता है, और होम मिनिस्टर जब तक कि प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर काम ना करें तब पूरा ये पॉलिसी दूर से देखकर निष्कर्ष निकाल लेना या इस तरह की बातें फैला देना आसान ऐसा नहीं हो सकता। हाँ। कि सर मैं एक चीज सर एक चीज मैं कहूंगा कि ये नहीं हो सकता कि जितनी खराबियां हुई वो नेहरू की वजह से हुई और जो भी अच्छा हुआ वो पटेल की वजह से हुआ। ठीक, ये दोनों के दोनों साथ मिलकर फैसले ले रहे थे, सब साथ मिलकर फैसले ले रहे थे, इसे समझना जरूरी है। कैबिनेट जी और एक दूसरे के मतभेदों के बावजूद एक दूसरे का सम्मान कर रहे थे, ये समझना भी जरूरी है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर। बिल्कुल गौहर रजा साहब, मेरे पास वक्त जरा कम है, गौहर रजा साहब ये जो बात आ रही थी कि बुनियाद को हिलाने की कोशिश है लेकिन बुनियाद अभी भी कायम है, इतना आसान नहीं है इस बुनियाद को हिलाना जो आजाद भारत की बुनियाद इन कुछ लोगों ने बनाई थी, अगर ऐसा वाकई हो रहा है, ये कोशिश हो रही है, किस तरह की नीति से आगे बढ़ा जाए? मेरा मानना यह है कि जो पाकिस्तान बनाने वाले लोग थे उनकी मानसिकता और इनकी मानसिकता में कोई फ़र्क नहीं है, और इसलिए ये बुनियाद हिलाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर और एक हिंदू पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। धर्म का इस्तेमाल वहाँ किया गया, ये धर्म का इस्तेमाल यहाँ कर रहे हैं। पर जो बात अभी आप थोड़ी देर पहले कह रही थी इस मतभेद के ऊपर दोनों के, एक ऐसी पार्टी जो फैशिस्ट पार्टी हो जहाँ एक आदमी की आवाज़ हो और खुद अपने मिनिस्टर्स डरते हों उनसे कोई डिसएग्री करते हुए, वो जाहिर है कि इस तरह की अफवाहें फैलाएंगे ही कि नेहरू और पटेल में लड़ाई थी। वो लोग जो अपने पूर्वजों को दूध की मक्खी की तरह निकाल करके खुद गद्दी पर बैठ गए हैं, जिन्होंने उनकी पार्टी बनाई थी पूरी खड़ी की थी, वो लोग तो इसी तरह की बातें इसी तरह की मानसिकता से निकले हुए लोग हैं। वो नेहरू और पटेल की जाहिर है कि बार बार कहेंगे कि इन दोनों के अंदर बहुत डिसएग्रीमेंट थे और पटेल अगर होते तो कुछ। छोटा सा सवाल सतेंद्र जी मेरा आपसे है क्योंकि वक्त बस खत्म होने वाला है, वक्त का लिमिटेशन है, अगर वाकई ये कोशिश हो रही है, क्या नेहरू पर हमला करना या नेहरू पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, क्या देश की विरासत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना नहीं है, और इसका हल क्या हो अगर ये हो रहा है? देखिए वो विरासत है जो राजा राम मोहन राय के बाद बननी शुरू हुई। हाँ। और ये सीधा ये जो संघर्ष है ये भारत के दो विचार का संघर्ष है, एक विचार वो है जिसका प्रतीक नेहरू थे और जिसकी व्याख्या हमारे संविधान में हुई है, जो प्रियम्बल में हमारा जो बात के उसका जो निचोड़ है वो प्रियम्बल में है। दूसरा विचार जो है जो हेजिमनी कायम करना चाहता है एक समूह का दूसरे के ऊपर, एक जेंडर का दूसरे के जेंडर के ऊपर, अलग अलग जो एक समाज को एक हेजिमनी और इम्यूनिटीज के साथ चलाना चाहता है, जो रूल ऑफ लॉ या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से के की धारणा के जो खिलाफ है। तो ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है और ये उसी का ये एक परिणाम ये होता है कि उसमें पंडित और बिल्कुल और सबसे जरूरी ये भी है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर जो भी चीज़ें चल रही हैं उस पर भरोसा मत करिए, बल्कि उसको चेक करिए, आर्टिकल्स पढ़ के, किताबें पढ़ के, और खुद की जो जानकारी है वो अगर बढ़ेगी तो कई सारी ऐसी गलत बातें हैं जिस पर आप यकीन नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजनीति में आज इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।